और अब आपको आज की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। पीएफआई के टेरर कनेक्शन पर एनआईए की रेड लगातार जारी है और अब 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। एनआईए की रेड के खिलाफ पीएफआई समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया है। पीएफआई पर एनआईए की रेड को लेकर गृह मंत्री की बैठक हुई जिसमें एनएसए, गृह सचिव, एनआईए के डीजी मौजूद थे। और ये देखिए रेड से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें राज्यों की आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई के दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। जयपुर के मोती डूंगरी इलाके का यह वही पीएफआई का दफ्तर है जहां पर एनआईए की टीम आज यहां पहुंची थी और उसने यहां पर जांच अपनी शुरू की। इसके अलावा कोटा और बारा में भी जांच की गई है। 4 घंटे तक करीब यह पूरी जांच चली है। सीआरपीएफ के जवानों को लेकर एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँची थी और ऐसा कह रहे हैं कि जो टेरर फंडिंग की बात, विदेश से जो धन आया था उसको लेकर काफ़ी सबूत एनआईए जुटा रही थी और उसी के आधार पर यहाँ पर छापेमारी की ये पूरी कार्रवाई हुई है। बारा में जहाँ तक कहा जा रहा है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया है आगे की पूछताछ के लिए। यहाँ से भी कुछ डॉक्यूमेंट मिलने की बात की जा रही है जो कि विदेशी फंडिंग के बारे में हो सकता है जुड़ा हुआ हो। तो एनआईए अपनी ओर से लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी एनआईए की टीम आई थी, यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और उसी के विरोध में ये जैसे पीएफआई का ये है, उन्होंने कई बार ईडी आरएसएस का हथियार बनना बंद करो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया था 11 दिसंबर 2020 को और उसका एक पोस्टर भी है। हिजाब को लेकर भी लगातार प्रदर्शन करते रहे और उदयपुर में जिस तरह की घटना सामने आई उसमें भी पीएफआई का नाम बार बार सामने आता रहा है सरपंच से जुदा के नारों के साथ। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर एनआईए ने काफ़ी मशक्कत की थी और उसी के आधार पर ये इस पूरी कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। हालांकि यहां से किसी को भी हिरासत में लेने की कोई खबर नहीं है लेकिन 12 से 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है अब तक और इतना कहा जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्हीं की अब जांच पड़ताल भी कर रही है एनआईए की टीम। फिलहाल एनआईए की टीम यहां से लौट चुकी है, पीएफआई के तमाम पदाधिकारी अंदर हैं, कुछ ही देर में मीडिया से भी बातचीत करेंगे और तमाम तरह की बातें बताएंगे कि राजस्थान में जिस तरह से एनआईए ने इनके दफ्तर पर एक बार फिर से जो छापा मारा है उस छापे के पीछे का इंटेंशन क्या था, किस क्या क्या चीज़ें यहाँ से वे ले गए और किस आरोप के आधार पर छापेमारी की ये पूरी कार्रवाई हुई है। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। आज देश के 11 राज्यों में पीएफआई के ऑफिसेस पर एनआईए ने रेड की, इसमें ईडी की टीम भी शामिल थी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी ये रेड का सिलसिला चला और करीब 20 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है और इस रेड में तीसरी एजेंसी ATS ने भी इन 2 एजेंसियों की यहाँ पर मदद की है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में खासकर मराठवाड़ा का जो इलाका पड़ता है जहां पर औरंगाबाद है, जालना है, इन इलाकों में एनआईए ने यहां पर रेड मारी और कुछ लोगों की गिरफ्तारी यहां पर की। इसके अलावा मैं बात करूं तो पुणे में रेड हुई है, मुंबई में रेड हुई है, ठाणे के एक इलाके में भी रेड की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा नवी मुंबई में भी एनआईए ने कुछ लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंकवादी गतिविधियों में भी होने का शक एक पीएफआई के सदस्यों पर जताया। पिछले कई दिनों से एनआईए के रडार पर ये पूरी एजेंसी यहाँ पर थी तो इसके बाद यहाँ पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई में गिरफ्तारी हुई है करीब 20 लोगों की महाराष्ट्र से। राजेंद्र सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24, मुंबई। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर ए में और ये मेरे ठीक पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, ये 3 मंजिला मकान, ये वसीम का बताया जा रहा है। वसीम ट्रेलरिंग का काम करता है जिसको आज सुबेरे NIA और ATS की साझा टीम ने सुबेरे तड़के 6:30 के लमसम उठाया, यहाँ से उसकी हिरासत में लिया गया है, उसको हिरासत में लेकर के यहाँ से गए हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले ये वसीम जो है ये CA और NRC के जो दंगे हुए थे लखनऊ में, जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही इसका एक जो दोस्त है जो यहाँ से आगे लवकुश नगर है उसके दोस्त को भी उठाया गया है, जो यहाँ से चंद कदम दूरी पर 1.5 किलोमीटर के उसके बताया जा रहा है घर, उसको भी हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर के जो ये मशीन है ये PFI से जुड़ा हुआ है और यहाँ से NIA ने कुछ अहम दस्तावेज और कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की हैं, उसको भी अपने साथ ले करके NIA की जो टीम है उसको भी अपने साथ ले करके निकली है यहाँ पर। और ये 3 मंजिला मकान है
जो वसीम का है, यहाँ पर अंदर लोग मौजूद हैं लेकिन अभी यहाँ से वो निकल नहीं रहे हैं। हमने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करी और बुलाने की, बात करने की भी कोशिश करी कि बात कर लें, लेकिन कोई भी घर से निकला नहीं, ना ही कोई बात करने के लिए राजी हुआ है। तो फिलहाल वसीम को और उसके एक साथी जो लवकुश नगर में बताया जा रहा है कि वो रहता है, उसको यहाँ से उठाया गया है NIA और ATS की तरफ से। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ News 24। NIA ने मध्य प्रदेश के इंदौर में भी PFI के दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई की है। सुबह 4 बजे तक यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर चली है और PFI मध्य प्रदेश के प्रमुख अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया, उसके साथ साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई थी। इंदौर के बम्बई बाज़ार की बात की जाए या छिपा बाखल की बात की जाए, दोनों जगहों पर PFI ने कार्रवाई की है। यहाँ से दस्तावेजों को बरामद किया है, फाइल, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क ये यहाँ से बरामद हुए हैं और PFI का जो ऑफिस है वो इंदौर के राजबाड़ा क्षेत्र के जवाहर मार्ग से संचालित हो रहा था। फिलहाल ANI जो है वो यहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेकर गई है और अब ANI आगे की कार्रवाई दिल्ली जाकर करने वाली है। 3 लोगों को फिलहाल इंदौर से ले जाने की जानकारी सामने आई है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, News 24, इंदौर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के महासचिव तारिक अनवर साहब हैं। तारिक साहब, जिस तरीके से PFI के खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई हो रही है और कहा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के चलते ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, ऐसी बहुत सारे संगठन हैं हमारे देश में जो एक प्रकार से लोगों को आतंकित करने का काम कर रहे हैं, एक समाज विशेष के खिलाफ कार्रवाई करके काम कर रहे हैं और खुलेआम नरसंहार की बात करते हैं। वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होती तो अच्छा लगता और लोगों का विश्वास बढ़ता, लेकिन एक ख़ास संगठन को निशाना बनाना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं। वैसे कौन कौन से संगठन हैं जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं? अभी तो सब लोग डालते हैं जो खुलेआम नरसंहार की बात करते हैं, जो खुलेआम एक समुदाय को समाप्त करने की बात करते हैं, उनको ख़त्म करने की बात करते हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई है? आपको लगता है कि सरकार या जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसमें अगर बृहद तौर पर कार्रवाई हो तो ज़्यादा अच्छा होता? बिल्कुल, ऐसे तमाम संगठन को निशानदेही करनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से उसका संबंध हो। अगर वो देश के अंदर माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, एक तरह से देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होता। उसमें कैसे कौन कौन से संगठन? अब सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं। एक या दो बता दीजिए। सब लोग जानते हैं नाम। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ऐसी कोई घटना हुई? हमारे यहाँ भी तलवार बांटने का काम हुआ था। इनकी तरफ से? ऐसे ही संगठनों की तरफ से। धन्यवाद, हमसे बातचीत। कैमरा पर्सन सिंह साहब के साथ अमन कुमार, दिल्ली, News 24।